विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जो बिंदु पढ़ रहे हैं वो विश्व जनसंख्या में हमने विश्व में जनसंख्या के वितरण को पढ़ लिया है, विश्व में जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूप को पढ़ा है, साथ साथ ही घनत्व के प्रकार और वितरण के प्रतिरूप पढ़े हैं। इसके साथ हमने जनसंख्या वृद्धि को पिछले वीडियो में पढ़ा, कितने प्रकार की होती है ये पढ़ा। जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो वास्तविक भी होती है, प्राकृतिक भी होती है। और जो प्राकृतिक जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो आपके जन्म दर और मृत्यु दर पर डिपेंड करती है, और वास्तविक है उसमें प्रवास को जोड़ा जाता है। तो हमने जन्म दर और मृत्यु दर के ऊपर डिपेंड कर रही है कौन, जनसंख्या वृद्धि। तो ये जो दो बिंदु है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, एक बार देखते हैं कि 1000 जन्मों पर जीवितों की संख्या, 1000 जन्म है उसमें कितने जीवित है उनको क्या बोलते हैं, जन्म दर। और मृत्यु दर बोलते हैं 1000 जन्मों पे मृतकों की संख्या क्या कहलाएगी, मृत्यु दर। क्या कहलाएगी, मृत्यु दर। यहाँ हम जन्म दर में शिशु जन्म दर और शिशु मृत्यु दर देखें। शिशु का मतलब है कि 0 से 1 वर्ष के बच्चे। तो 1000 जन्मों पर कितने बच्चे हैं वो जीवित रहे, वो तो है शिशु जन्म दर, कौन सी, 0 से 1 वर्ष। और कितने बच्चे हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो है मृत्यु दर, कौन से, 0 से 1 वर्ष। अब इसके बाद देखिए मातृ मृत्यु दर क्या होती है। मातृ मृत्यु दर होती है 1 लाख जन्मों पर प्रसव या किसी भी कारण से, प्रसव के दौरान कोई भी एक्सवाइजेड कारण हो सकता है, उसके दौरान जब माता की मृत्यु होती है, माता की होती है मृत्यु, तो ऐसे रेशो को, ऐसे प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर। 1 लाख जन्मों पर माता की जो मृत्यु की जो दर है वो क्या कहलाएगी, मातृ मृत्यु दर। तो जन्म दर 1000 जन्मों पर, मृत्यु दर 1000 जन्मों पर, शिशु जो जन्म दर है वो 1000 जन्मों पर जीवितों की संख्या 0 से 1, मृत्यु दर है मृतकों की संख्या 0 से 1, और मातृ मृत्यु दर क्या है 1 लाख पर जो किसी भी कारण से प्रसव दौरान माता की मृत्यु होती है उनको क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर। अब इन बिंदुओं के बाद हम पढ़ेंगे विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि है उसके क्या कारण है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि है, काफी कुछ कारण है। देखो विद्यार्थियों, या हम कुछ बात करेंगे कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है उसमें हमने आरंभ से लेकर लगभग 12000 वर्षों से पहले से लेकर और ईसा काल जब, जहां हमने देखा था 25 से 30 करोड़ जनसंख्या है, वहां से लेके और वर्तमान जो अपने लगभग 7.5 अरब से भी ज्यादा जनसंख्या, वहां तक हमने पढ़ा। जो जनसंख्या वृद्धि है, हमने देखा कि विश्व में लगभग 99% जो जनसंख्या वृद्धि है वो आपके कौन से काल में, वर्तमान काल में कुछ दशकों में हुई है, बाकी पिछले दशकों में जो थी आरंभ से लेके और पिछले दशकों में जनसंख्या वृद्धि मात्र 1% हुई है। विश्व की जितनी जनसंख्या है वो कब बढ़ी है, पिछले 5-7 दशकों के अंदर बढ़ी है। देखो यहाँ हम बात करें तो 1960 तक आपकी जनसंख्या जो थी वो मात्र कितनी थी भाई, 1800। हमने 1650 में कितनी, 50-55 करोड़,
1830 में हमारी 1 करोड़ 1 अरब और 1930 में हमारी 2 अरब और 1960 में कितनी थी 3 अरब। तो ये 1860 में कितनी होगी 3 अरब। अब 1960 के बाद हम देखें तो लगभग कितने वर्ष हो गए 1960 के बाद, लगभग अपने 5 दशकों में जनसंख्या कितनी हो गई 3 से कितनी हो गई दुगनी, दुगनी से भी क्या हो गई ज्यादा, कितनी 7.5 अरब होगी 7.5 अरब। और हम 1650 से देखें वर्तमान तक तो लगभग 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितनी गुना बढ़ गई भाई 55 करोड़ से जनसंख्या कितनी होगी लगभग 750 करोड़ हो गई। तो इसका मतलब जनसंख्या में 12 से 13 गुना वृद्धि हो गई, कितनी होगी 12 से 13 गुना वृद्धि हो गई। तो ये वृद्धि की जो समानता है इसके पीछे क्या क्या रीजन है हम बात करते हैं। पहला रीजन है जो हमारी वृद्धि है उसमें सबसे पहला रीजन है मृत्यु दर में आ रही गिरावट, मृत्यु दर में गिरावट। देखो मृत्यु दर में गिरावट का एक कारण है कि जैसे जैसे मानव ने प्रगति की है वैसे वैसे वैज्ञानिक गतिविधियां बढ़ी है, वैज्ञानिक गतिविधियां बढ़ी है तो हमने स्वास्थ्य के सुविधाओं में क्या किया है अधिकार प्राप्त कर लिया है जिसके कारण मृत्यु दर में क्या गई गिरावट। अब मृत्यु दर अचानक गिर गई और जनदर बढ़ी हुई है तो जनसंख्या में क्या होगी वृद्धि होगी, मृत्यु दर में क्या गई गिरावट और जनदर बनी हुई है तो क्या होगी जनसंख्या में क्या होगी वृद्धि होगी। तो जनसंख्या में वृद्धि का एक रीजन है क्या मृत्यु दर में क्या गई गिरावट आ गई और मृत्यु दर में गिरावट के साथ साथ जनदर बढ़ी हुई है, मेन बात यह है जनदर बनी हुई है। और जनदर बढ़ने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, देखो जनदर जो बनी हुई है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो है आपको क्या मिल रही है खाद्य पदार्थों की आपके पास में या संसाधनों की आपके पास में क्या हो रही है आपूर्ति हो रही है। खाद्य पदार्थ या संसाधनों की आपूर्ति हो रही है तो कोई भी व्यक्ति है वो कुपोषण का शिकार नहीं होता, कोई व्यक्ति है वो क्या नहीं होता कुपोषण का शिकार नहीं होता। और कुपोषण के शिकार के भाव में उसको पोषण तत्व मिल रहे हैं तो उसमें जो डेट रेट है वो क्या हो गई अपने आप ही कम हो गई। साथ ही साथ जो संसाधन मिल रहे हैं तो संसाधनों के देखो पिछले जो हम दशक देखें या प्राचीन काल या प्रागैतिहासिक काल या मध्य काल में देखें तो वहां पे मेन क्या था संसाधनों की आपूर्ति का भाव था। और संसाधनों की आपूर्ति है तो कोई भी परिवार है वो जनसंख्या वृद्धि के बारे में नहीं सोचता है, जब संसाधन पूर्ण होते हैं उसके बाद में क्या है जनसंख्या वृद्धि के बारे में लोग सोचते हैं। इसलिए सामान्य सी बात है सामान्य सी कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो रही तो हमें क्या मिल रहा है पोषण मिल रहा है और इस कारण से क्या हो रही है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसके बाद हम तीसरे रीजन की बात करें तो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो रही है और संसाधनों की आपूर्ति हो रही है तो औद्योगिक विकास जो है वो तीसरा प्रमुख कारण है कि औद्योगिक विकास हो रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है तो लोगों का आर्थिक स्तर सुधरा हुआ है, आर्थिक स्तर सुधरा हुआ है तो लोग संसाधनों की आपूर्ति कर रहे हैं इस कारण भी जनसंख्या में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। कुल मिला के लोगों का जीवन स्तर अच्छा है तो क्या है मृत्यु दर में क्या है गिरावट मिलती है और क्या होती है जनसंख्या में क्या होगी वृद्धि होगी। इसके बाद आपके दिया हुआ है बिंदु वैज्ञानिक प्रगति, देखो वैज्ञानिक प्रगति इससे जुड़ी हुई है कि जैसे जैसे साइंस डेवलप्ड हुआ है, साइंस डेवलप्ड हुआ है तो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है,
जैसे साइंस डेवलप हुआ है तो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं या चिकित्सीय सुविधाओं में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिला है, तो ये परिवर्तन है वो मृत्यु दर को भी कम कर रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि कहाँ होगी, पहले ही पढ़ा हुआ है कि जनसंख्या जो है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है, राजनीतिक कारक है, तो ये सारे रीजन हैं वो जनसंख्या की अनुकूलता और जनसंख्या वृद्धि को निश्चित करते हैं। इसी प्रकार शांति और सुरक्षा की स्थिति अगर किसी क्षेत्र में है तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि होगी या जनसंख्या का दूसरे क्षेत्र से आकर निवास होगा, जिससे भी जनसंख्या में क्या होगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रवास, शांति सुरक्षा भी है, उसके कारण भी क्या है, प्रवास हो सकता है। प्रवास जो है वो मृत्यु दर अगर है कम और प्रवास भी बढ़ रहा है तो उस क्षेत्र में क्या होगी, उस क्षेत्र में जनसंख्या में क्या आएगी, वृद्धि होगी। इसमें प्रवास के कारण भी क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। और प्रवास किन कारणों पर होता है, प्रवास होता है अनुकूलता के आधार पर, किसके आधार पर होगा, अनुकूलता के आधार पर। और बड़े पैमाने पर अगर प्रवास हो रहा है तो वहां जनसंख्या की सघनतम प्रतिरूप को देखने को, जनसंख्या का सघनतम प्रतिरूप हमें वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो जनसंख्या में जो वृद्धि का कारण है वो हमारे विवाह की आयु, ये सामाजिक कारण है, विवाह की आयु और परिवार नियोजन कार्यक्रमों की अवहेलना, विवाह की आयु, परिवार नियोजन कार्य की अवहेलना और रूढ़िवादिता यानी शिक्षा का अभाव, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो जनसंख्या वृद्धि को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि है वो विवाह की कम आयु है और परिवार नियोजन के का अवहेलना की अवहेलना है, परिवार नियोजन की क्या है, अवहेलना है। और साथ ही साथ परिवार नियोजन की अवहेलना के साथ साथ सामाजिक रूढ़िवादिता है वह भी जनसंख्या वृद्धि के घटक को क्या करती है, आगे बढ़ाती है, यानी जनसंख्या वृद्धि में क्या है, सहायक है। तो हमने विश्व में जनसंख्या वृद्धि कारणों में कुछ कारण पढ़े जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति किसको, चिकित्सा सुविधा बढ़ाएगी और मृत्यु दर में क्या जाएगी, गिरावट आ जाएगी। शांति सुरक्षा है तो लोग क्या है वहाँ पे निवास करेंगे, ज्यादा लोग निवास करेंगे वहाँ पे जनसंख्या में। और प्रवास है वो अनुकूलतम क्षेत्रों में लोग जाएंगे तो क्या होगा, जनसंख्या में विकास होगा। साथ साथ विवाह की जो आयु है, विवाह की जो आयु है वो कम है और परिवार नियोजन जैसी सुविधाओं की जैसी जो हमारी क्रियाएं है उनकी अवहेलना है तो भी क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो विद्यार्थी इसके बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या जो है विश्व में असमान है और असमान जनसंख्या के पीछे जो वृद्धि हुई है जनसंख्या की वो भी क्या है, असमान है। और इस असमानता को हम निम्न विशेषताओं के आधार पर पढ़ते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप है उनमें जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हुई, कौन कौन से महाद्वीप है उनमें जनसंख्या वृद्धि कम हुई। तो जनसंख्या वृद्धि की जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। वैसे हमने जनसंख्या वृद्धि को देखें तो प्रवृत्तियों में देखा है कि आरंभ से लेके और एंड तक की हमने जनसंख्या वृद्धि को देखा है किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो इसमें विशेषताओं में हम पहली विशेषता देखते हैं कि 1650 से लेके और 1750 तक विश्व के अंदर जनसंख्या वृद्धि आपके दो महाद्वीप एशिया व यूरोप इन दो में तो वृद्धि हुई,
लेकिन उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका इन महाद्वीपों में वृद्धि बहुत ही कम थी। इसके बाद हम देखें 1750 से लेके और 1900 तक की बात करें तो 1750 से 1900 में तीन महाद्वीप एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में क्या है वृद्धि हुई। उत्तरी अमेरिका में वृद्धि का रीजन क्या था? यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में दो प्रमुख स्रोत देखने को मिलते हैं। एक तो यूरोप है, वो उत्प्रवासित महाद्वीप है, और अमेरिका है वो आप्रवासित महाद्वीप है, यानी अमेरिका में आप्रवासी आए और यूरोप से ये लोग गए, यानी उत्प्रवासी गए। तो इसका कारण क्या है? आपको ये तो पता है कि आप्रवास उत्प्रवास क्या होता है। एक तो होता है आपका उद्गम स्रोत, एक होता है गंतव्य स्रोत। उद्गम स्रोत से कोई भी जनसंख्या का प्रतिरूप अगर दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उद्गम स्रोत से गया तो यहाँ के तो क्या हो गए, वो उत्प्रवासित, और यहाँ क्या हो गए, आप्रवासी। प्रवास को हम स्थानांतरण प्रवृत्ति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक तो जो गए वो क्या है, उत्प्रवासी, और जो आए वो क्या है, आप्रवासी। तो उत्तरी अमेरिका है वो आप्रवासियों के कारण आप्रवासित महाद्वीप है, और यूरोप है वो उत्प्रवासित महाद्वीप है। लेकिन 1750 से 1900 तक यहाँ पे जो जमाव था बहुत कम था, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि वो उत्तरी अमेरिका में होने लगी थी। यूरोप में जो रीजन क्या था कि संसाधनों का अभाव था, इस कारण से लोग है पलायन कर रहे थे। लेकिन 19वीं शताब्दी और 1900 से आपकी 20 शताब्दी पूरी है 2000, इसके बीच में या वर्तमान तक हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो एशिया की और उत्तरी अमेरिका की। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि एशिया की और उत्तरी अमेरिका की थी, और उत्तरी अमेरिका के अंदर इस दौरान सबसे ज्यादा क्या हुआ, आप्रवास हुआ, सबसे ज्यादा क्या हुआ, आप्रवास। अब आप्रवास के कारण अपोजिट रीजन क्या आया, यूरोप की जनसंख्या है वो क्या है, वृद्धि कम रही, क्या हुई, अल्प हो गई। यूरोप की जनसंख्या वृद्धि कम या अल्प हो गई, क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे लोग सर्वाधिक इस समय तो उत्प्रवास कर रहे थे, लेकिन औपनिवेशीकरण के मध्य जो है बहुत ज्यादा उत्प्रवासित हुए। तो बहुत ज्यादा उत्प्रवासित हो, जनसंख्या किसकी बढ़ गई, अमेरिका की बढ़ गई, और किसकी कम हो गई, यूरोप की कम हो गई। यहाँ आरंभ था ये, लेकिन यहाँ पे ये चरम पे हो गया। वर्तमान में तो अमेरिका ने एक्ट भी निकाल दिया कि जो आप्रवासित है उन पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया है, क्योंकि सर्वाधिक अमेरिका के मूल नागरिकों की तुलना में बाहरी यूरोपीय जो है उनकी मात्रा सर्वाधिक है। यूरोपीय के अलावा अमेरिका में एशिया के लोगों ने भी क्या किया, वहां पे प्रवास किया, उसके कारण भी वहां की जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब हम बात करें कि अमेरिका के अंदर इस दौरान एशिया में तो है वो दुगनी, लेकिन अमेरिका में 4 गुनी वृद्धि हुई। इसके बाद देखें तो पिछली शताब्दियों में जनसंख्या में जो होने वाला परिवर्तन है, वो परिवर्तन हम देखें तो उस परिवर्तन के दौरान एशिया जो है, एशिया पिछले दशकों में भी विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या रख रहा था, और वर्तमान में भी लगभग इतनी जनसंख्या रख रहा है। साथ ही साथ हम देखें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इन क्षेत्रों में जनसंख्या में प्राय बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जो अमेरिका है उसमें लगभग 364 गुना, उत्तरी अमेरिका में लगभग आरंभ से देखिए तो अपने तीन तीन शताब्दियों के अंदर लगभग 364 गुना जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कहने का मतलब मान लो कि 5 व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, और कुछ वर्षों के बाद ये 150 हो गए तो कितनी वृद्धि होगी, ठीक है।
और जहाँ पे रह रहे कितने हैं, 100 व्यक्ति और रह रहे हैं वहाँ 150 के, तो वृद्धि क्या हुई, कम हुई ना। तो वो रीजन है कि छोटी जनसंख्या जो होती है उसमें अगर परिवर्तन है वो एक लंबा परिवर्तन दिखेगा, और बड़ी जनसंख्या में छोटा परिवर्तन भी एक बड़ा परिवर्तन दिखाएगा। तो दो रीजन है कि बड़ी जनसंख्या है अगर उसमें छोटा सा परिवर्तन भी है तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में या किसी भी क्षेत्र में वो बड़ा परिणाम सामने लाएगा। लेकिन एक छोटा प्रतिरूप है, एक छोटी जनसंख्या है और उसमें वो बहुत ज्यादा परिवर्तन है तो भी एक बड़े परिणाम को सामने नहीं लाएगा। इस प्रकार अमेरिका में 364 गुना वृद्धि होगी, लेकिन अपने जो एशिया है वहां तो दुगुना ही वृद्धि हुई। कितनी दुगुनी? तो एशिया की दुगुनी वृद्धि अमेरिका की 364 से भी क्या है, ज्यादा है। इसके अलावा हम बात करें दक्षिणी अमेरिका के अंदर, तो दक्षिणी अमेरिका है उसमें भी जो वृद्धि है वो काफी हुई, लेकिन आपके देखें तो अफ्रीका महाद्वीप है, आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इन महाद्वीपों में भी वर्तमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी धीरे धीरे विकास होने लगा है और विकास के कारण क्या है, वृद्धि होने लगी है। अब 2005 के जो आंकड़े हैं जनसंख्या वृद्धि के अनुमान आंकड़े जो आपके एनसीईआरटी में थे उनके अकॉर्डिंग बताऊं मैं, तो आपके विश्व की जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है, 1.4%। कितनी है? 1.4%। और एशिया की भी कितनी है, 1.4%। इतनी 1.4%। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अगर किसी महाद्वीप में हुई है तो वो है अफ्रीका, 2.6%। यानी अफ्रीका में वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक पाई जाती है। हम अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में 1.3 है, दक्षिणी अमेरिका में 1.4 है, और आपके ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो 1.3 है, और यूरोप की अगर बात करो तो यूरोप में जनसंख्या वृद्धि कैसी है, 0%। यूरोप के कोई भी बहुत सारे देश ऐसे भी है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है, ऐसी ऋणात्मक है जिसमें लाटविया आता है, एस्टोनिया आता है, लिथुआनिया आता है, इनकी जनसंख्या वृद्धि क्या है, ऋणात्मक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है कि विश्व के अंदर जो परिवर्तन आया 1650 से 1750 या सभी महाद्वीपों में परिवर्तन नहीं देखने को मिला, कहाँ देखने को मिला, एशिया यूरोप में 1750 से 1900 में आया, वहाँ यूरोप के साथ साथ उत्तरी अमेरिका आ गया, 1900 से 2000 के बीच में जो आया वहाँ एशिया उत्तरी अमेरिका आ गया, जबकि यूरोप की जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई, कम हो गई। और अब वर्तमान देखें तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका में भी जनसंख्या वृद्धि होने लगी है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि है उसकी समस्याओं की। तो देखो समस्याएं दो प्रकार की है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि की असमानता देखने को मिलती है, ये हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, और इस असमानता के पीछे कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जहां जनसंख्या का सघनतम जमाव है और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां जनसंख्या की विरलता है। मतलब विश्व में 75% प्रदेश ऐसे हैं जहां जनसंख्या की विरलता पाई जाती है। अब समस्या तो क्या है, जहां ज्यादा जमाव हो गया तो भी समस्या है, जहां विरलता है तो भी समस्या है। ज्यादा जमाव हो गया तो हमारे सामने संसाधनों की समस्या, अगर विरलता है तो हमारे पास में मानव जाति की समस्या हुई। तो इन समस्याओं को हम देखते हैं और क्या क्या समाधान है वो भी देखते हैं। इन समस्याओं में हम देखें तो पहली समस्या है कि विश्व में जो वृद्धि हो रही है, वर्तमान की स्थिति देखें तो विश्व की वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है, तो पूरे विश्व के लिए संकट का कारण है, और पूरे विश्व में जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए है वो एडवाइजरी जारी कर रखी है। तो विश्व में जो अत्यंत भयावह वृद्धि है ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि बहुत सारे जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में या संसाधनों के संदर्भ में विद्वानों ने कहा
की जनसंख्या और दीजिए मॉल्थस है थॉमस मॉल्थस की जनसंख्या वृद्धि है उसमें क्या हो रहा है कि ज्यामितीय वृद्धि हो रही है जबकि संसाधन है उनमें अंकगणितीय वृद्धि हो रही है और ये जो अंतर है वो इतना हो जाएगा आगामी वर्षों में कि हम संसाधनों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे लेकिन संसाधन फिर भी हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि संसाधन है ही नहीं और संसाधनों के अभाव में जनसंख्या है वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी और भुखमरी आदि से ग्रसित होगी और क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। किसने कहा? थॉमस मॉल्थस ने कहा कि जनसंख्या और जो है के संसाधन है उसमें एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है और ये परिवर्तन विश्व में एक विकट समस्या ला सकता है क्योंकि इन संसाधनों और जनसंख्या के बीच में जो परिवर्तन है उसके लिए तो गांधी जी ने क्या कहा कि हमारे विश्व हमारी पृथ्वी पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है लेकिन वो संसाधन केवल पेट भरने के लिए है पोट भरने के लिए नहीं है क्योंकि अगर हम इन संसाधनों को संग्रहित करेंगे सतत पोषणीय विकास को लागू नहीं करेंगे लोगों के और अपने आगामी जो आने वाली पीढ़ियों को हम देखेंगे नहीं तो ये संसाधन क्या हो जाएंगे एक दिन नष्ट हो जाएंगे और हम और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इन संसाधनों से वंचित रह जाएगी और अपना विकास नहीं कर पाएगी। तो जनसंख्या की जो भयावह वृद्धि है इसमें कहा गया है कि 2040 तक लगभग जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी लगभग आज से दुगुनी जनसंख्या अनुमान लगाया गया है कि ऐसे ही जनसंख्या वृद्धि चलती है तो ये जनसंख्या क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। इसके बाद देखें तो दूसरी समस्या हमारे सामने आ रही है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे पास संसाधन तो क्या है बहुत ही कम है और ये सीमित संसाधन है वो कई प्रकार के जो कारक विनाशात्मक कारक है उसको क्या कर रहे हैं इंगित कर रहे हैं क्योंकि जनसंख्या मान लो कि लोग है वो हमारे पास में 10 है और हमारे पास में संसाधन 8 के ही है फिर लोग बढ़ जाते हैं 15 हो जाते हैं संसाधन तो 8 के ही है फिर और बढ़ रहे हैं तो संसाधन तो 8 के ही है तो वो 8 के संसाधन है वो लोगों की आपूर्ति करने में क्या 20 लोगों की आपूर्ति करने में क्या हो गया असमर्थ। तो ऐसी स्थिति में भुखमरी फैलेगी बीमारी फैलेगी महामारी फैलेगी देखो सब टोटल रीजन एक ही है रिसोर्सेज से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाएगी तो समस्या हमारी कौन कौन सी आएगी भुखमरी महामारी बीमारी वगैरह ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब तीसरी समस्या की बात करें कि जो जनसंख्या है उसका वितरण संकेंद्रित है और हमने पढ़ा भी था 80% जो लोग है वो 20% या 90% और 10% पे 10% और 90% पे ये निवास करते हैं। विश्व के कुछ देश ही है जो बिल्कुल सघन बसे हुए हैं बाकी देश क्या है विरल है लेकिन जहाँ सघनता है वहाँ पे संसाधनों पे दबाव है और जहाँ विरलता है वहाँ संसाधनों पे दबाव नहीं है ठीक है। तो वो संसाधन तो ऐसे पड़े हैं लेकिन कुछ क्षेत्र में ही संसाधनों पे दबाव है तो दबाव के कारण क्या होगा कि लोगों को संसाधनों की प्राप्ति का सही औसत नहीं मिलेगा और प्राप्ति का सही औसत नहीं मिलेगा तो लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा पाएंगे तो जीवन स्तर लोगों का क्या होगा नीचे जाएगा। और सबसे विकट मैंने बताया दो समस्याएं को जमाव ज्यादा जमाव है तो समस्या और नहीं है तो समस्या। तो विरल जनसंख्या है या जनसंख्या की विरलता है वहां समस्या है कि आगामी अगर देखो विश्व के अंदर विरल का है विश्व में आके कुंड्रा प्रदेश है उधर विरल है मरसूरिया प्रदेश उधर विरल है तो वो ऐसे प्रदेश है जहाँ जनसंख्या की जमाव की अनुकूलता है ही नहीं अब वहाँ लोग थोड़े जाएंगे तो विश्व के अंदर वहाँ जनसंख्या के जमाव की कोई आशंका नहीं है कि जनसंख्या जमाव की तो विश्व का अधिकांश भाग तो विरल पड़ा हुआ है और अधिक थोड़े से भाग में क्या जमाव है ये सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या के बीच ही क्या है एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि प्राकृतिक व मानवीय रूप से जो लोग हैं वो क्या है प्रतिबंधित है कैसे है क्योंकि ज्यादा लोग हो गए तो ज्यादा लोगों के संसाधन सबको नहीं मिल पा रहे और संसाधन सबको नहीं मिल पा रहे तो लोग है अपनी क्षमता खो रहे हैं
और अपनी क्षमता खो रहे हैं, तो बीमारियों बीमार हो रहे हैं, महामारी से ग्रसित हो रहे हैं, और वह लोग अपने विकास को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी भी क्षेत्र है, आप वहाँ पे मान लो उद्योग स्थापित कर दो, लेकिन वहाँ के लोगों में बीमारी है, वो बीमार रहते हैं, वो अपने क्षेत्र में किसी महामारी या बीमारी से ग्रसित है, तो वो काम कर पाएंगे या वो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा पाएंगे या? तो ये भूखमरी बीमारी ये क्या कर रही है, लोगों के जीवन स्तर में क्या कर रही है, कमी ला रही है। तो ये महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो विश्व के अंदर जनसंख्या बढ़ने से उत्पन्न हुई है, और ये भयावह समस्याएं बढ़ती ही जा रही है, और ये बढ़ती समस्याएं विश्व में एक नए संकट के लिए क्या है, हमें जो आगाह कर रही है कि नया संकट आने वाला है। तो हमें क्या करना है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए नए नवीनतम जो विश्व जनसंख्या जो है उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि जो ये हमारी समस्या है उसके लिए हम नवीनतम क्या, नवीनतम जनसंख्या नियोजन या जनसंख्या को कम करने वाले या जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले उपाय को अपनाएं, जिसके कारण हम जनसंख्या में जो होने वाली भयावह वृद्धि है उसको रोक सकते हैं। और ये वृद्धि अगर रुकेगी तो विश्व में लोगों का जीवन स्तर क्या होगा, ऊपर होगा, नहीं तो विश्व जीवन लोगों का जीवन स्तर क्या होगा, निम्न हो जाएगा, और ये हमारे लिए विश्व में विकट समस्या की चुनौती हमारे सामने आ रही है। अब हम ये जनसंख्या जो वृद्धि है उसके जो नियंत्रण के उपाय हैं उनमें देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जो है, ये जो समस्या है उनको हम कैसे दूर करें। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहला जो है कि हम क्या लोगों में साक्षरता के माध्यम से जन जागरूकता फैलाएं। क्या लाएं, जन जागरूकता। और जन जागरूकता आएगी तो लोगों को पता लगेगा वास्तव में जनसंख्या क्या है और जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं। इसके साथ साथ विवाह की आयु और परिवार नियोजन, मैंने बताया था भी समस्या थी परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम अपनाएं। यानी विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से ऊपर और 21 जो हमारे कर रखे हैं उसके अनुसार परिवार जो आयु है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और परिवार नियोजन की जो रूपरेखा है वो अपनाएं तो जनसंख्या में नियंत्रण आ सकता है। तीसरा कि जो संसाधन है उनकी सही प्राप्ति करवाएं किसको, जनसंख्या को। तो जनसंख्या में संसाधनों की आपूर्ति पर ध्यान दें, संसाधनों की आपूर्ति पर ध्यान दें। तो आपूर्ति पर ध्यान कौन देगा, सरकार देगी। और आपूर्ति अगर मान लो सही समान वितरण हो रहा है आपूर्ति का, तो लोगों का जीवन स्तर उठेगा और लोग क्या करेंगे, शिक्षा या साक्षरता, साक्षरता की प्राप्ति करेंगे, और साक्षरता की प्राप्ति करेंगे जागरूकता आएगी और वो जनसंख्या जो वृद्धि है उसको जानेंगे। साथ ही साथ जो कृषिगत क्षेत्र है उसमें भी विकास किया जाए, साथ ही जो रोजगार के साधन है वो भी लोगों को उपलब्ध कराया जाए। के साधनों के अंतर्गत औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ औद्योगिकरण के लिए खनन को भी क्या है बढ़ावा दिया जाए, और विनिर्माण उद्योगों के विकास के लिए काम किया जाए जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिले। इसके अतिरिक्त हम देखें जो हमारे पास में संसाधन है उन संसाधनों में जो परंपरागत है जो समाप्य है उनका कम उपयोग करें और गैर परंपरागत संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता दें। गैर परंपरागत संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता देंगे तो हमारे पास में परंपरागत संसाधन सेफ रह जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह हमारे लिए क्या काम आएंगे। इसके अतिरिक्त जो सागरीय संसाधन है, सागर में जो संसाधन है उन संसाधनों का भी क्या करें हम उपयोग करें,
जिससे हमारी आवश्यकता की क्या हो सके, पूर्ति हो सके, हमारी आवश्यकता की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। साथ ही साथ जो विश्व के अल्प बसे देश है, अल्प बसे हुए क्षेत्र है, उन अल्प बसे हुए क्षेत्रों में इस प्रकार की देश की सरकार ही करेगी, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करें कि वहां लोग निवास कर पाए। जैसे हमारे भारत का थार कमर्शियल है, थार के मर्शल में सरकार द्वारा हम जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकालेगी और वहां पे लोगों का जमाव अब धीरे धीरे क्या होगा बढ़ रहा है जनसंख्या, विशेष थार का मर्शल जो है हमारे विश्व का सबसे आबाद मर्शल है जहाँ जनसंख्या निवास करती है। फिर भी हमारे जो निर्जन क्षेत्र है या जो कम बसे क्षेत्र है जहाँ पे अनुकूलता स्थापित हो सकती है तो वहाँ पे हम जनसंख्या बसाव की अनुकूलता स्थापित करें, जिससे जनसंख्या में जो असमानता है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो विद्यार्थियों आज हमने विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारक, जनसंख्या वृद्धि की विशेषता, समस्या और समाधान पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व में जनसंख्या जो है उसके जो जन समूह है, महाजन समूह है, उन महाजन समूह को पढ़ेंगे। धन्यवाद।